दोस्तों, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहा करते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब भगवान श्री कृष्ण हर युग में अपना एक नया स्वरूप धारण करते हैं, ताकि वह अधर्म को नष्ट कर और धर्म की रक्षा कर सकें। दोस्तों, यह माना जाता है कि भगवत गीता में जीवन की हर बात कही गई है, हर समस्या का उत्तर भगवत गीता में लिखा गया है। दोस्तों, इस ग्रंथ में जो बातें लिखी गई है वह महाभारत के उस पल की है जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि वह महाभारत का युद्ध कैसे लड़े जिससे उनकी जीत हो। इसलिए कहा जाता है दोस्तों कि अगर हमें भी अपने जीवन में सफलता पानी है तो हमें भगवत गीता जरूर पढ़नी चाहिए। भगवत गीता में कुछ ऐसी बातें लिखी गई है दोस्तों जो हमें सफलता की ओर ले जाता है। हेलो दोस्तों, ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं भगवत गीता से जुड़ी 9 ऐसी बातों को जिसे जानकर हर मनुष्य अपने जिंदगी से दुख को दूर कर सकता है। तो फिर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, भगवत गीता की पहली महत्वपूर्ण बात है, मानव शरीर एक कपड़े का टुकड़ा है। दोस्तों, गीता के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने मानव के शरीर को एक कपड़े का टुकड़ा बोला है, जहां उन्होंने यह दर्शाते हुए कहा है कि ऐसा कपड़ा जो आत्मा हर जन्म में बदलती है। इसका मतलब यह है कि मानव शरीर का आत्मा अस्थायी वस्त्र है, अर्थात हमें मानव की पहचान उसके शरीर से नहीं बल्कि उसके मन से, उसकी आत्मा से करनी चाहिए। दूसरी बात है दोस्तों, क्रोध भ्रम की निशानी है। कहा जाता है दोस्तों कि क्रोध एक सामान्य भावना है जो हर किसी इंसान के अंदर बसा रहता है, लेकिन दोस्तों क्रोध हम सब के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायी होता है, क्योंकि यह कहीं ना कहीं मानव के अंदर एक भ्रम पैदा करता है। जहां मनुष्य अच्छे और बुरे की पहचान करना चाहता है, इसलिए जरूरी है कि मनुष्य क्रोध की राह से दूर होकर शांति की राह को अपनाए। भगवत गीता से जुड़ी तीसरी बात है दोस्तों, जीवन का संतुलन बहुत जरूरी है। दोस्तों, यह तो सभी जानते हैं कि किसी भी चीज का अति हो जाना काफी घातक होता है, चाहे वह रिश्तों की मिठास हो या उनकी कड़वाहट, खुशी हो या गम। हर तरीके से हमें अपने जीवन का संतुलन बनाकर रखना चाहिए। चौथी बात है दोस्तों, स्वार्थी होने से बचें। अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हैं तो आपको स्वार्थी होने से बचना चाहिए, क्योंकि स्वार्थ एक ऐसा स्वभाव है जो हमें अन्य लोगों से दूर कर देता है। सही मायने में बोला जाए तो यह उस आईने में पड़े धूल की तरह है जो हमें अपना चेहरा देखने से रोकता है। इसलिए अगर हमें जीवन में खुशियां पानी है तो हमें निस्वार्थ भाव से हर काम को करना चाहिए। पांचवी बात है दोस्तों, ईश्वर हमेशा हमारे साथ हैं। दोस्तों, यह माना जाता है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होते हैं, अर्थात भगवान हर मनुष्य के साथ होते हैं, उसके अच्छे कर्मों के साथ भी और उसके बुरे कर्मों के साथ भी। बस फर्क यह है कि जब भी मनुष्य सत्य की राह को अपनाता है तब उसके जीवन में एक ऐसा बदलता दौर आता है जहां वह न भविष्य की चिंता करता है और न ही अतीत की। भगवत गीता से जुड़ी छठी बात है दोस्तों, अपने कर्तव्यों से मुंह ना मोड़ें। दोस्तों, यह बहुत ही अहम बात कही गई है भगवत गीता में कि कभी भी हमें अपने कर्मों को करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। यह बात हमें हमेशा सिखाई गई है कि हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए और फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें अपने कर्म के अनुसार ही भगवान फल दे देते हैं। भगवत गीता से जुड़ी अगली बात है दोस्तों, इच्छाओं पर नियंत्रण रखें। यह माना जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या उसकी इच्छाओं से शुरू होता है। जैसे जैसे उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, वैसे वैसे मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां आने लगती है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने इच्छाओं के ऊपर काबू रखें। भगवत गीता से जुड़ी हुई अगली बात है दोस्तों, शक न करें। संदेह हर मजबूत से मजबूत रिश्ते को नष्ट कर देता है, जिससे यह मनुष्य का दुख का कारण बन जाती है। इसलिए जीवन में अगर रिश्ते को बचाना हो या फिर जीवन में एक सफल रिश्ता बनाना हो तो हमें अपने अंदर संदेह की भावना नहीं रखनी चाहिए। और भगवत गीता से जुड़ी हुई 9वीं बात है दोस्तों, मृत्यु से ना डरें। दोस्तों, हमारे जीवन का सबसे अहम सत्य यह है कि जो इंसान इस धरती पर आता है वह कभी न कभी धरती की मिट्टी में समा जाता है। इसलिए हमें कभी भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि मृत्यु के डर से हम अपने वर्तमान की खुशियों में शामिल नहीं हो पाते हैं। इसलिए जरूरत है कि उस सच्चाई को अपनाकर अपनी खुशियों का आनंद उठाना चाहिए। तो यह थी दोस्तों भगवत गीता की कुछ अनकही बातें जो सामान्य इंसान को सफलता की राह पर पहुंचाने में मदद करता है और उनकी
हर मुश्किलों का सामना करने का तर्क देता है। इसलिए जीवन में कभी भी किसी प्रकार की कठिनाइयां हो या फिर राह में कितने भी बाधक हो, तो हमें जीवन की राह को सही मायने में चुनकर उसे सफल बनाने की कोशिश करनी चाहिए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को हमारा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे चैनल पर दी गई जानकारी पसंद आती है और आप ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।